बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग नश के अंदर एनईटी की सीरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब एनईटी सीरीज क्या है, ये एक एडमिशन एंटी टेस्ट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो एन सीरीज 1, एन सीरीज 2, एन सीरीज 3, एन सीरीज 4 और जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है वो एन सीरीज 4 की चल रही है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना और कौन सा पोर्टल है, ये सारी तमाम बातें इसके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की एजुकेशन इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए या किसी भी जगह आप एडमिशन के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, घर बैठे आप एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, बैंक चलान भी पे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे, सारी चीजें आपको करके देंगे। इसके लिए ना तो आपको किसी बैंक जाना पड़ेगा, ना किसी शॉप जाना पड़ेगा, ना किसी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301-202-7670 उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को फिर हासिल करके विद मिनिमम कॉस्ट के साथ आप अप्लाई करवाएं। अब यहाँ पे मेरे सामने एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, इसको मैं थोड़ा सा जूम अप करता हूँ। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे सामने जो एडवर्टाइजमेंट है इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सीरीज जो है फॉर जो स्टार्ट और इनवेस्ट की वो 30 अप्रैल से लेके 20 जून तक चलनी है। आप इनमें वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो नर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। या तो आपने FSC पास कर ली है या आपने अभी FSC पार्ट 2 के भी पेपर देने, तो तमाम कैंडिडेट्स इसके अंदर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ACT सेट जो देना चाहते हैं, ACT देना चाहता है और जो सेट देना चाहता है फर्स्ट वीक ऑफ मई और लास्ट वीक ऑफ जुलाई उसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन है। कंडक्ट ऑफ एंटी टेस्ट है वो 21 जून को है और 12 जून को है बताया गया है नर्स इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। तो इसके अंदर तमाम रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पेपर बेस जो है वो मलेर कैंट कराची के अंदर भी होगा, गिलगत में भी होगा, उसके बाद नस H12 सेक्टर है, उसके बाद नस बलोचिस्तान कैंपस है, ठीक है। इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन है। कमेंसमेंट ऑफ द जो क्लासेस होंगी वो सितंबर 2023 के अंदर, एयर फील्स ऑफ और एवरनेक्स इंजीनियरिंग की जो है अक्टूबर 2023 और बेस बायोटेक्नोलॉजी के नवंबर के अंदर होंगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन ही फीस पे कर सकते हैं। अब कौन सा पोर्टल है, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है। अब कौन सा पोर्टल है, यहाँ पे आपने सर्च करना है UG, ठीक है। UG नस्ट एडमिशन जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो रही है। यहाँ पे ऑफिशियल मेरे सामने वेबसाइट आ गई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे NET पे क्लिक आउट करना है। जैसे NET पे क्लिक आउट करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा बैक एंड पे जाता हूँ। यहाँ पे स्केड्यूल सारा मेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग आपको वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सैंपल टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इसको भी चेकआउट करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का सैंपल टेस्ट भी अवेलेबल है। आपने क्या करना है, अब न्यू यूजर है तो आप सबसे पहले यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, कंफर्म ईमेल एड्रेस, और ये जो आपके सामने लेटर अवेलेबल है 5 डिजिट अवेलेबल है, आपने क्या करना है इनको यहाँ पे टाइप करना है। कैसे करेंगे, ओके हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया था, मैं लॉग इन करता हूँ, जो मेरा पुराना अकाउंट लॉग इन होता ही नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपना नेम देना है, नेम देने के बाद फादर नेम देंगे, उसके बाद यूजर आईडी देंगे, कन्फर्म ई मेल एड्रेस देंगे। जैसे ही मेल करेंगे आपको एक वेरिफिकेशन ई मेल आपके मोबाइल पे या आपके ई मेल एड्रेस पे चली जाएगी, आपने उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपने आके इसको दोबारा लॉग इन करना है। आप फॉर्म है मैं इसलिए नहीं फिलअप कर रहा क्योंकि इट्स टेक टाइम। आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने लगाया वो आपने यहाँ पे लगा के इसको लॉग इन करके प्रॉपर तरीके, सबसे पहले आपने अपनी बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, देन आपने एजुकेशन ऐड करनी, देन आपके पास चलान आएगा, चलान बैंक में पे करें या अपने एडमिट कार्ड के थ्रू पे करके सारा कुछ ओके करवाएं। तो आई होप कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं, बैंक का चलान भी पे करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट सारा कुछ कर सकते हैं। जजाकल्ला, शुक्रिया।